बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए कि सर अंधविश्वास और लॉजिक साइंस क्या ये सब एक ही है या अलग अलग है? इन दोनों कनेक्शन है तो कैसे कनेक्शन? मैं कहूंगा कि अंधविश्वास है नहीं, अंधविश्वास का नाम दे दिया गया है, बेसिकली उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे साइंस है, उसी साइंस और लॉजिक को सामने वाले को मनाने के लिए उसे वो कैसे वो माने, कैसे अपने ऊपर अप्लाई करे, कैसे उस चीज से डरे, उन सब चीजों को लेकर अंधविश्वास क्रिएट किया गया। जैसे कभी कभार होता है, छोटा बच्चा है, वो दूध नहीं पीता है, खाना नहीं खाता है, तो उसे खाना खिलाने के लिए डांटना पड़ता है कि देखो भूत आ जाएगा, ये आ जाएगा। भूत देखा नहीं है, ना उसकी माँ ने देखा होता है, ना बच्चे ने देखा होता है, लेकिन क्या होता है कि उसे डराने की वजह से उसने दूध फटाफट पी लिया। तो एक ये क्या है, अंधविश्वास नहीं है, ये एक उसको पिलाने का एक तरीका है, टेक्निक थी। सेम ऐसे ही जैसे मैंने कभी जब पढ़ता है, जब पढ़ते हैं, जब देखते हैं सारी चीजें, तो बहुत सारी लॉजिक मैंने पाया उसके पीछे, बहुत सारी साइंस पाया मैंने कि यहाँ पर अंधविश्वास नहीं है। बेसिकली ये क्या है कि इन चीजों को, अपनी धरोहर को, अपनी चीजों को, अपने अपनी जो आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, उन चीजों को या अपने मन को हल्का करने के लिए इसे अंधविश्वास में कन्वर्ट किया गया है कि जिससे लोग अप्लाई करके माने, नहीं तो ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देंगे सारा, और कहीं ना कहीं बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगी ह्यूमन नेचर के लिए, ह्यूमन के लिए और एनवायरमेंट के लिए। जैसे मैं सबसे पहला लॉजिक, जैसे कहते हैं कि पीपल का पेड़ है, ये बट वृक्ष है, पीपल है, तो इन्हें नहीं काटना चाहिए, इसमें भगवान होते हैं, इसमें राक्षस होते हैं, जो भी है लॉजिक है, ये आपका लॉजिक इसमें नहीं है, ये लोग बताते हैं आपको कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक ये, साइंस ये है कि इसलिए नहीं काटना चाहिए कि पीपल और बरगद दोनों, बट वृक्ष जिसे बोलते हैं, दोनों एक ऐसे पेड़ है जहां पर जो 24/7 ऑक्सीजन देता है। अगर ये पेड़ काट दिए गए, आप जंगल में कभी जाओ, रात में कभी सो जाओ, सुबह आपकी डेथ हो जाएगी। रीजन ये है कि वहां पर सभी जितने भी वहां पर पेड़ हैं, ट्रीज हैं, वो सभी क्या करते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन ये पीपल और बट वृक्ष क्या होता है, 24/7 ये क्या करता है, आपका ऑक्सीजन ही छोड़ता है, जिससे हमें ऑक्सीजन 24/7 अगर हम इसे काट देंगे तो हमारा क्या होगा, धीरे धीरे ऑक्सीजन, वैसे ही बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और हम मरना शुरू हो जाएंगे, ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा हो जाएगी। एक ये लॉजिक, ऐसे बहुत सारे लॉजिक है। जैसे कि कई बार होता है कि घर में कहते हैं पैर मत हिलाओ, पैर मत हिलाओ, ये बुरा माना जाता है, शुभ नहीं है, इसे शुभ लाभ से कोई लेना देना नहीं, शुभ अशुभ से। इसका सिर्फ लॉजिक ये है कि जब हम किसी से बात करते हैं, इसे से मिलते हैं या खाना खाते हैं, और अगर हमारे पैर हिल रहे हैं या कुछ हम एक्टिविटीज कर रहे हैं हाथ से पैर से, तो इसका मतलब होता है कि हम उस चीज को सही से समझने का ट्राई नहीं कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ठीक नहीं है, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे उस चीज पे। अगर हम कंसंट्रेट हो रहे हैं तो हमारे पैर नहीं हिलेंगे, इसका मतलब अगर हम दूसरी एक्टिविटीज साथ में कर रहे हैं, इसका मतलब हम कंसंट्रेट नहीं है, है ना। इसके तीसरा लॉजिक, मैं ऐसा ही अंधविश्वास के कई सारे आपको ऐसे अंधविश्वास से साइंस को जोड़ूंगा। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि भाई मूर्ति पूजा, मूर्ति में क्या भगवान है या नहीं है। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं और देखते हैं, उसमें आप देखिए तो उसकी शुरुआत देखा जाए तो बेसिकली डराकर ही हुआ है। जब आप पूजा करते हैं, जब आपकी मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई, मंदिर बनना स्टार्ट हुए, इसके पीछे डर था, फियर था। आज भी मंदिर आप क्यों जाते हैं, आप भगवान का नाम क्यों लेते हैं, जब आप डर जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, डरते हैं, आपका काम बनना बंद हो जाता है, तो आपको लगता है भगवान ही सहारा है और उससे आप उम्मीद करते हैं। अब भगवान कैसे सहारा है, कैसे चीजें होती हैं, वो मैं बताता हूं। सिंपल सा लॉजिक है, कई बार ऐसी आपके जीवन में घटनाएं होती हैं, आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आप नहीं अपने हैं, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप पत्नी से नहीं बता सकते, माँ से नहीं बता सकते, भाई से नहीं बता सकते, दोस्तों से नहीं बता सकते। शादी नहीं हुई तो गर्लफ्रेंड होगी, नहीं भी होगी तो कुछ बात नहीं, छोड़ो, लेकिन आप किसी से नहीं बता सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपसे गलतियाँ हो जाती हैं, या कई बार ऐसा आप उसे सोचते हो कि मैं इसे पश्चाताप कर लूँ, रिलाइज कर लिया आपने, तो रिग्रेट ना फील हो, उसके लिए आप क्या करते हो, भगवान के पास जाते हो और आपको लगता है कि मैंने किसी से कह दिया,
मूर्ति सुन रही नहीं सुन रही मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि जो आपके अंदर था उस चीज को आपने उसमें सोचा कि इसके अंदर जान है, इसके अंदर ये भगवान है, ये मेरी बात सबके सुनता है, मैं अगर इससे कह दूंगा तो मेरे मन का बोझ हल्का हो जाएगा कि किसी से मैंने कह दिया। अक्सर ऐसा होता है, आप अगर बहुत परेशान है, कोई ऐसा दोस्त हो, ऐसी चीज है जिससे आप, जैसे ऐसे व्यक्ति है जिससे आप सब कुछ बोल सकते हो, आप बोल दो आपका मन हल्का हो जाएगा कि आपने किसी से कुछ बोल दिया जो आपने गलत किया, सही किया, जो परेशानी में है। सेम ऐसे अगर मूर्ति के सामने ऐसे बोल देते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है और हमें लगता है कि मैंने भगवान से बोल दिया, उसने सुन लिया, और फिर आप अपने काम में अपनी चीजों में मन लगा पाते हैं। ये है इसके पीछे का लॉजिक, ये इसके पीछे का साइंस। लॉजिक ये है कि आप उसको व्यक्ति समझकर, एक पर्सन समझकर, भगवान समझकर हम अपने मन की इच्छाएं बोल देते हैं। इच्छा है तो ही बोल देते, पूरी हो ना हो वो हमारे ऊपर है, क्योंकि हम कर्म नहीं करेंगे तो पूरी नहीं होने वाली है। तो कर्म तो प्रधान ही है, कर्म तो करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारा, अब क्या होता है, ऐसे ही आज की दुनिया में क्या हो गया है कि आज के डेट में बहुत सारी चीजें आ गई हैं आपके लाइफ में। जैसे कि मैंने कभी, आप कुल्लू मनाली गए होंगे, कुल्लू मनाली जाओ तो वैसे हनीमून के लिए वो फेमस जगह है, बट हनीमून नहीं है कि हनीमून ही मनाने जाना होता है, ऐसे भी लोग जान घूमते हैं समर में, वैकेशन में जाते हैं घूमने। तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर वोल्केनो है, स्प्रिंग वोल्केनो। स्प्रिंग वोल्केनो क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर को वार्म करता है, गर्म करता है, जब आता है बाहर वोल्केनो नहीं निकल पाता, जो अंडरग्राउंड वाटर है वाटर से ऊपर भी कुछ आपके सरफेस पे भी होगा वाटर होगा, तो उसको दोनों को गर्म करता है, जो अंडरग्राउंड वाटर से निकल के आता है, जो जमीन में फैल जाता है, तालाब के जैसा हो जाता है, लेक जैसा बन जाता है, उसको गर्म करता है अंडरग्राउंड वाटर को, तो अंडरग्राउंड वाटर बाहर भी पूरे वाटर को गर्म कर देता है। अब उसमें क्या है, लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं कि उसमें हमने एक पोटली में राइस बांधते हैं और उससे उसमें डुबोते हैं और निकालते हैं तो पक जाते हैं, इसके बाद खिलाते हैं, कहते हैं सारे रोग दूर हो जाएंगे। इसके पीछे लॉजिक ये नहीं कि सारे रोग दूर, रोग कैसे दूर हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसका एक कारण है, उसका कारण ये है कि वो वोल्केनो की वजह से गर्म हो रहा है। वहां कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसे दैवीय शक्तियां हैं ये वहां जाने पे गर्म कर देने की, वोल्केनो आ रहा है उसमें बहुत आग होती है और वो गर्म कर देता है और वो उसे पका देता है, इसलिए हम उसको, और हमें उस चीज का समझ नहीं आता कि नीचे से वोल्केनो आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम समझने की कोशिश भी नहीं करते। इसी तरीके से आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप इसको अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन इसके पीछे हमारे बुजुर्गों का बड़ा लॉजिक रहा है। उसके पीछे लॉजिक क्या था, उसके पीछे लॉजिक ये था कि आप उन चीजों को अगर डायरेक्टली वो कहेंगे ये काम कर लो आप नहीं मानोगे, अगर डरा के कहेंगे तो आप मान जाओगे। सीधी सी बात है, कहते हैं जैसे कभी छींक आ जाए, आप घर से निकल रहे हो तो कहते हैं घर से नहीं निकलना चाहिए, बैठ जाओ पानी पी लो। अब बैठ के पानी क्यों पिलाना, क्योंकि डॉक्टर भी कहता खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, तो उसके पीछे अगर बैठ के पिएंगे तो हमारे हेल्थ के लिए ठीक रहेगा, और घर से पानी पी के निकलेंगे तो रास्ते में आप कहीं जा रहे हो, पानी बीच में मिले नहीं मिले, दूर मिले, उसको हम क्या करेंगे, उसको पी लेंगे तो थोड़ी देर के लिए ठीक रहेगा हमारे लिए, पानी हेल्थ के लिए भी ठीक है, अब बैठ के पीना और बेटर होता है। पहले के लोग तांबे में पानी पीते थे, आज तांबा मिलता नहीं है। तो तांबे में, पीतल में क्यों खाना खाते थे, क्योंकि वो बॉडी को आपको कॉपर की जरूरत है, आयरन की, गोल्ड की, हर चीज की उसको जरूरत है, तो वो वहां से मिलते थे। अब क्या है, अब तो नसीब ही नहीं, स्टील के सिवा, स्टील को छोड़ दो, प्लास्टिक मिलना शुरू हो गया है और नुकसान, एनवायरमेंटली नुकसान कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लॉजिक हमारे उसमें है, माइंड में रहते हैं, चीजें समझते हैं, हम इसको पीछे का लॉजिक समझने लगे तो हमें हर एक चीज उनकी अच्छी लगेगी, हर एक चीज समझ आएगी कि अच्छा ये कहना क्यों चाहते हैं, ऐसा करना क्यों चाहते हैं। अब रही बिल्ली की बात, कभी कभी होता है ना कि बिल्ली रास्ता काट गई और अब नहीं जाना है, चीजें ऐसी नहीं करनी है। बिल्ली का रास्ता काटने का मतलब ये नहीं कि आप रास्ता काट दिया तो आपका काम बुरा ही होगा, हो सकता है आपका एग्जाम हो रहा हो, आप देखिए बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम देने लोग जाते हैं और बिल्ली रास्ता काटे, चाहे वो शेर रास्ता काट जाए, जाएंगे तो एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हैं। रीजन ये नहीं, रीजन ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं हड़बड़ाहट में आप कुछ चीज भूल गए हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो आप अगर दो मिनट के लिए रुक के सोचेंगे क्या करूं मैं, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कुछ ऐसा तो नहीं कि भूल गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, तो आप अपनी चीजों को रिकॉल कर पाओगे, सब ठीक है यार चलो
तो बेसिकली वो रिकॉलिंग का टाइम होता है, रिकॉल करो, ठीक करो, आगे बढ़ो। तो ये सारी चीजें हैं आपके साथ, ठीक है। तो इन चीजों को लेकर हम डिप्रेशन से, इन चीजों से बाहर आते हैं, ठीक होती हैं चीजें, बदलती हैं चीजें। तो इसी को अंधविश्वास कहते हैं लोग, लेकिन जब इसे समझ जाओ तो यही लॉजिक है, यही साइंस है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो बिना उसके, कुछ दवा से या कुछ बिना साइंस के कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।